कुछ चीज़ें होती हैं वो सेम 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 बोलते हैं। सो आई आई हैव टोल्ड यू आई मेट वरुण सर, वरुण नागराज सर, करंट डायरेक्टर ऑफ एसपीजन बॉम्बे, एक्स डायरेक्टर ऑफ एसपीजन बॉम्बे रंजन बनर्जी, एक्स डायरेक्टर ऑफ एसपीजन बॉम्बे श्रेषा अय्यर सर, एक्स फाउंडर ऑफ एसपीजन, सॉरी फर्स्ट फाउंडर ऑफ द ओनली फाउंडर ऑफ एसपीजन बॉम्बे एम एस श्रीकांत साहब, बिकॉज मेरा कॉलेज है तो 10 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, एक्सरे के डीन डायरेक्टर साहब, एक्सरे के पैनलिस्ट जॉर्ज सर, एम डी गुड़गांव के राजेश चक्रवर्ती एक्स साहब, एक्स डीन ऑफ आई एम टी गाजियाबाद एंड आतिश चट्टोपाध्याय, ही वॉज एक्स डीन ऑफ माइका एज वेल, और करंट डीन ऑफ माइका, मैम का नाम भूल गया यार, क्या नाम है करंट डीन ऑफ माइका का, ठीक है मैं नाम भूल गया, मेट हर एज वेल इन हर पास्ट लाइफ। तो और आई एम टी गाजियाबाद के करंट डायरेक्टर साहब विच इज़ मिस्टर तलवार, विशाल तलवार। तो इन सब लोगों से मुझे एक ग्रेट लेक्स के सुरेश सर चेन्नई के, और दिल्ली वाले के मैं नाम भूल गया साहब के, ठीक है एनी विच वेज, और कनक राज सर हेड ऑफ प्लेसमेंट्स, ही इज इंटरव्यू पैनलिस्ट, विश्वदीप सर, विश्व बल्लभ सर जो कि करंट डीन भी है। यहाँ पे ना एक चीट शीट है, ये ना चीट शीट हर पैनलिस्ट के साथ होती है, ये देखो ज़रा, यू विल बी इंटरव्यूड ऑन सच थिंग्स ओनली इन योर पैनल। हमारे पास व्हेन आई वाज ऑन द पैनल एज वेल एक शीट दी जाती है जहाँ पे आपको नंबर देने होते हैं 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। उसके अंदर क्या क्या होता है, नंबर वन लीडरशिप कैपेबिलिटीज़, तू कॉलेज के अंदर स्कूल के अंदर क्या क्या लीड किया हुआ है, मतलब आपकी जो वो चीज़ें हैं जहाँ पे आप स्कूल हेड बॉय थे, हेड गर्ल थे, कॉलेज में कोई कल्चरल फेस्टिवल के हेड थे, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज पी ओ आर्स, पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वैन यू गो टू द बी स्कूल यू लर्न दैट, ठीक है। कॉम स्किल्स, नॉट हाउ मच गुड वर्बीएज यू कैन यूज़, बट जो आइडियाज़ तेरे दिमाग में वो फ्लो कर पा रहा है कि नहीं। मैंने क्वेश्चन क्या पूछ, ये मुझे बड़ा इरिटेट करता है, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है तो आंसर क्या दे रहा है, ये थोड़ी ना ह्यूमन नेचर होती है, ध्यान सुनना, ह्यूमन नेचर होती है। समटाइम्स कोई क्वेश्चन पूछा आता नहीं है, हम कुछ और बोल रहे हैं, तो मैं तो स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप, मैंने सवाल क्या पूछा उसका जवाब दे, उस वो कम्युनिकेशन स्किल में आता है। ये बड़ा पुट ऑफ करता है प्रोफेसर को। टास्क ओरिएंटेशन, ये टास्क ओरिएंटेड है, तू करंट जॉब में क्या कर रहा है, कौन कौन वर्क एक्स वाले हैं जिस टाइप इन मी मी मी, तू करंट जॉब के अंदर क्या कर रहा है, वॉट इज़ योर करंट रोल एंड हाउ वेल यू नो दैट एज वेल, आयुष दुर्गा ऑल राइट ग्रेट विवन ऑल राइट गुड ओके लवली हर्षिता ओके पल्लव लवली, करंट जॉब में तू क्या कर रहा है, तू अपने कॉलेज में, ये एक और चीज़ है जो 10th 12th के नंबर पे कई लोग क्वेश्चन करते हैं, 10वीं के नंबर इंपॉर्टेंट है नहीं है, मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, पैरामीटर होना चाहिए, वी कैन आर्ग्यू ओवर इट, बट 7 8 तो लगा ही होना चाहिए, बिकॉज वेन यू आर इन 10th स्टैंडर्ड देयर वाज ओनली वन वर्क असाइन टू यू एंड दैट वाज 10th में पढ़ाई करनी जाके, तो टास्क उस जगह पे तेरी क्या थी, समझा, इसलिए 10th 12th के नंबर को भाव देते हैं। ये मेरा फेवरेट है, लर्नेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं, आर यू रेडी टू लर्न, ये कैसे दिखता है, सर्टिफिकेशन कर रहा है कि नहीं, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, वट एव यू लर्न, लाइक कल हम इंटरव्यू की बात करते हैं, एक लड़की ने बताया वट एव यू लर्न 2022 का ग्रेजुएट हुआ है, तो घर पे बैठा तूने क्या किया हुआ है, सर्टिफिकेशन, यू कैन मेक अ प्लान, सर आई लाइक टू लर्न वन न्यू थिंग एवरी क्वार्टर, मैं कोशिश करता हूँ एवरी मंथ, मैंने एक फिल्म मेकिंग का कोर्स किया, इनफैक्ट कोविड के टाइम पे मैंने बड़े सारे कोर्सेज किए, भर भर के इंस्टाग्राम पे रील मेकिंग का भी कोर्स कर लिया, स्टोरी राइटिंग क्या होता है वो सब किया, तो ये सब चीज़ें आप भी कर सकते हो, तो विलिंगनेस टू लर्न वो लर्न होनी चाहिए, वो लाइक ब्लॉकचेन इतना बड़ा बज़ वर्ड है, आपको आना चाहिए ब्लॉकचेन, इसलिए मैं आपको एंगेज 7x भी रिकमेंड किया हुआ है जिन लोगों ने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट वन, गोल ओरिएंटेड, तू तेरा गोल एसपीजन बॉम्बे है कि नहीं है, तेरा गोल आई एम अहमदाबाद है कि नहीं, तुझे पता ही नहीं कौन सी प्लेसमेंट आ रही है। हमारा पीयूष करके स्टूडेंट था, नाउ ही इज़ अ मेंटर विद अस, मिलवाऊंगा आपको पीयूष, जिसने डैशबोर्ड पर वीडियोज़ किए हुए, देखा आपने वो इंजीनियरिंग वाले, देखे आपने डैशबोर्ड, नेटफ्लिक्स लेवल ऑफ एडिटिंग है, घूम घूम के सवाल आते हैं। पीयूष वॉज रिजेक्टेड एट, मैंने बताया था, हाँ बिट्स गाय, ही वॉज रिजेक्टेड एट एसपीजन बॉम्बे बिकॉज ही सेड आई वांट टू वर्क इन अमेजॉन, और उस समय अमेजॉन नहीं आती थी, ठीक है ऑल राइट ग्रेट, और टू माई ओके हे उत्सव, थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड मैन, यू आर ऑसम, थैंक यू सो मच। आगे गोल ओरिएंटेड, तो तेरा गोल तेरे को पता होना चाहिए, फ्यूचर में तू क्या करना चाहता है, ये थोड़ा वाई एम बी ए का भी है, वाई एम बी ए क्या यार, तू एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, इंडियन इंटरव्यू पैनलिस्ट दे आर नॉट टेकिंग स्ट्रेस राइट नाउ बिकॉज कोरा पे जाके तुम बजा देते हो, पैनलिस्ट की बजा देते हैं, आई अहमदाबाद का पैनलिस्ट रूड था, पहले बड़े रूड होते थे मेरे टाइम में, अभी इतना नहीं है, अभी स्ट्रेस है क्यू एंड ए, कट रैपिड फायर राउंड होता है, दैट इज स्ट्रेस, दैट्स इट, और कई लोग उसमें गलती कर लेते हैं। फ्रेशर जनता, स्ट्रेस मत होना, मेरी रिक्वेस्ट है, घर से पैनलिस्ट लड़की नहीं आया अपनी बीवी से, समझ आ रहा है, वो लड़के नहीं आया हुआ, तो वो वहाँ पे बैठा है तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए, बस ये जानने के लिए कि भाई तू कैसे कर रहा है और हाउ यू कैन हैंडल द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो इसलिए आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी देगा। डोमेन नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट, तूने इंजीनियरिंग किस फील्ड में की हुआ है, आई हेट दिस, सम पैनलिस्ट एट आई एम कैल आई एम बी आर गोइंग टू गो इनटू डिटेल,
तूने इंजीनियरिंग किया है, बीकॉम किया है, कॉमर्स तेरे नाम में लगा है, तेरे को पता होना चाहिए गिफ्ट एंड गुड्स क्या होता है, तेरे को पता होना चाहिए बजट के अंदर क्या हुआ एक्सेट्रा रिलेटेड टू योर डोमेन, नोइंग योर कॉम्पिटिटर्स एज वेल, तेरे कॉम्पिटिटर कौन है वो भी तेरे को पता होना चाहिए, तू अमेजोन में काम करते हो, फ्लिपकार्ट कितना धंधा कर रही है वो भी पता होना चाहिए, तेरी खुद की डोमेन का सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन जीके, नो ब्रेनर है, मैं अगली बार मैं एक सेशन करूंगा, आई एम जस्ट कंसोलिडेटिंग जीके के अंदर अभी मार्केट में क्या चल रहा है, बजट चल रहा है, अभी भी रशिया यूक्रेन वॉर बार बार आ रहा है और बहुत सारे टॉपिक चल रहे हैं, एट द सेम टाइम जनरल अवेयरनेस में तुम्हारी सिटी की बात हो रही है, G20 चल रहा है, अदानी चल रहा है, बिल्कुल अदानी तो बहुत ही हॉट फेवरेट चल रहा है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट हॉट फेवरेट चल रही है। आगे ओपननेस टू आइडियाज एज वेल, टर्की अर्थक्वेक तो न्यूज़ है पर इंटरव्यू के अंदर इतना ज़्यादा पूछ नहीं रहे हैं, ओपननेस टू आइडियाज दिस इज रियली मेरी, चैट GPT चल रहा है, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, मुझे आप डिटेल बता देना चैट GPT AI क्या होता है, AML क्या होता है, ठीक है। आगे माइक्रोसॉफ्ट का जवाब क्या है, गूगल का फ्लॉप शो हो गया है ना, $100 billion कितना उनका स्टॉक उड़ गया चैट GPT का जो है ना, $100 billion है। बार्ड लॉन्च किया ना, नहीं क्या लॉन्च किया था उन लोगों ने, व्हाट आर द नेम, बार्ड राइट, हाँ बार्ड, ओके। ओपननेस टू आइडियाज, यार तू मेरे कॉलेज के अंदर आ रहा है, आई डोंट वॉन्ट टू कम एज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, मैं कॉलेज में यही करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा, मैं चेंज होने के लिए तैयार नहीं हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान से। नेक्स्ट वन क्लैरिटी ऑफ थॉट, फ्रेशर्स आज मेरे जब फ्रेशर्स के क्वेश्चन आएंगे, वाई MBA इफ यू आर एबल टू कन्विंस देम, वर्क एक्स मोर देन 3+ years, कौन कौन है यहाँ पे, 3+ वाले जस्ट टाइप इन 3.5, 3.6, वर्क एक्स 3+ year, यू कुड बी सेंड होम एंड दे कैन सेंड टेल यू कि भाई जाओ निकलो तुम जाके 1 year MBA करो, ये हो रहा है अभी, हाँ ये थोड़ा ध्यान से। बिटवीन 1 to 2 years नो ब्रेनर, वाई MBA उनको पता है, उन वो आंसर इतना तुम्हें स्किप भी कर सकते हैं। लेक्स वन मेरा फेवरेट, फिटमेंट टू द वैल्यू सिस्टम ऑफ कॉलेज, ABC में से सबसे ज़्यादा अकेडमिक ओरिएंटेड कौन सा, सॉरी ABC में से सबसे ज़्यादा कैड फोकस कौन सा, BBBA ए, बहुत बढ़िया। सबसे ज़्यादा रिसर्च फोकस कौन सा है, सब लोग रिसर्च करते हैं, ओके ए, बहुत बढ़िया। सबसे ज़्यादा क्वांटिटेटिव माइंड, क्वांटिटेटिव बेंट ऑफ माइंड कहाँ पे है, एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड, सी, बहुत बढ़िया। ये आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें यार, बेसिक चीज़ें। फाइनेंस के लिए कौन सा मशहूर है, सी, बहुत बढ़िया। कंसल्टिंग के लिए कौन सा मशहूर है, ABC मोरलेस सेम आता है, तीनों में सेम ही है, सेमी कंपनी आती है, सेम नंबर पीपल जाते हैं, ए हल्का सा ऊपर नॉच हायर। बी किसके लिए मशहूर है, बी थोड़ा टेक जॉब्स के लिए मशहूर है बिकॉज इट्स इन द सिलिकॉन वैली एज वेल, ठीक है। फिनटेक के भी काफ़ी सारे रोल्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। बी लव्स बी एंड सी फ्रेशर्स को प्यार करते हैं कि वर्किंग्स को, वर्क एक्सपीरियंस के भाव ज़्यादा है, ठीक है। अब ये वैल्यू सिस्टम है कॉलेज का, वो तो उसमें फिटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, नो ब्रेनर, इस पर थोड़ा सा काम करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों, इस पर आपको नंबर मिलते हैं 1, 5 में से 3 में से 2 में से, ये चीज़ें आपको करके आनी है। गोल ओरिएंटेशन नो ब्रेनर है, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द क्लास इफ यू नॉट एबल डू इट। फिटमेंट नो ब्रेनर है, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द सेशंस, दे विल नॉट लेट यू इन। क्लैरिटी ऑफ थॉट विल नॉट बी देयर, यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा है कि वेदर विल बी एबल टू गिव यू माई कॉलेज हुडी और नॉट, मेरी कॉलेज हुडी तो पहनेगा कि नहीं पहनेगा, बस खत्म, ठीक है। यहाँ पे एथिक्स आ जाते हैं, SPGEN मशहूर है NGO के लिए और एथिक्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए। अच्छा क्विक अपडेट, SPGEN कॉलगेटर्स कौन कौन, जिस टाइप इन SP, कौन कौन SPGEN कॉलगेटर्स है जिनका GI2 में जाने वाले हो, ओके पल्लव है GI2 वाले जी, SP, आज रात को 10 बजे वाला सेशन भी आप अटेंड करेंगे तो उसके अंदर हम SPGEN का GI2 की बात करेंगे, ठीक है पल्लव, डन है, ठीक है निपुण महक एक्सेट्रा, गुड, ठीक है। क्विक 5 सेकंड चेक, ओके, होप इट इज हेल्पफुल, यस और नो, होप इट इज हेल्पफुल, यस और नो, ओके। एक्सेलराई का फिटमेंट, हाउ डू आई रिसर्च, हर्षिता मार खाने वाले क्वेश्चन मत पूछो। एक्सेलराई का लोगो देखा आपने, एक्सेलराई का लोगो देखा है कि नहीं, लोगो में एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है भाई, ओम चौधरी, वेरी गुड, लोगो में एक लाइन लिखी हुई है फॉर द ग्रेटर गुड एंड एस्टैब्लिश्ड एक्सलेंस एंड इंटीग्रिटी, लोगो तो देख लो यार अच्छे से बैठ के, SPGEN के लोगों के अंदर वो 5 लाइन है उसका मतलब क्या है, कैटकिंग के लोगों के अंदर भी वो 3 लाइन है वो क्या उसका मतलब है, उसका मतलब है पर इट इज कॉपीड बाय SPGEN का लोगो, मैंने बताया था आपको। चले भैया आगे बढ़ें, शुरू किया था पार्टी स्टार्ट, ठीक है, ग्रेट, होप इट